कई बार मर्दों का स्तन चेस्ट ब्रेस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये लेकिन बहुत तकलीफदायक होती है, असुविधाजनक होती है और वो लड़का या इंसान इससे बहुत अखुश होता है और संकोचमय हो जाता है। ये बड़ी ब्रेस्ट जो होती है लड़कों में, मेल पॉपुलेशन में, इसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया या सीधे अंग्रेजी में एनलार्ज मेल ब्रेस्ट। 70% केस में मगर ये जो ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है लड़कों में, इनका कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक बोलते हैं इसको। 30% हाँ, अगर आपको बचपन में मम्स हुआ है, गाल फूल जाते हैं, कोई टेस्टिस में ट्यूमर हुआ है, कोई बड़ी लिवर की बीमारी हुई है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं और कुछ दवाइयाँ खाने से भी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है, लेकिन 70% केस में सब कोई कारण नहीं है। ब्रेस्ट जब बड़ी हो जाए तो इनका इलाज मगर दवाई से नहीं हो सकता, कोई दवाई काम नहीं करती है और अगर आपको ठीक करना है तो ऑपरेशन छोड़कर और कोई उपाय नहीं बचता है। ब्रेस्ट जब बड़ी होती है तो जो प्रॉब्लम पेशेंट को आते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल है। बचपन में अगर हो जाए तो दोस्त यार स्कूल में कॉलेज में मजाक उड़ाते हैं, कभी कुछ उपदान हरकत भी कर देंगे। आपकी ब्रेस्ट बड़ी है बोलकर आप टी शर्ट पहनना नहीं चाहेंगे, टाइट टी शर्ट पहनेंगे तो नजर आएगा। आप जिम में नहीं जाना चाहोगे, खोलने पड़ेंगे कपड़े तो खराब लगेगा। स्विमिंग पूल में नहीं जाओगे, वहां भी कपड़े खोलने पड़ेंगे। और एक संकोच, एक हीनमनता का आभास होता है मरीजों को। इसको ठीक करने के लिए मगर जो ऑपरेशन है वो हम अक्सर सुन कर करते, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, घंटे 2-3 लगते हैं ऑपरेशन के वक्त, मगर पेशेंट जाग के है, टीवी देख रहा है, गाने सुन रहा है, बात कर रहा है और इमीडिएटली घर चले जा सकता है। ऑपरेशन में हम छोटा सा सुराख करके चारों तरफ सुन कर देते हैं, वहां से एक्स्ट्रा फैट और थोड़ा ब्रेस्ट टिश्यू भी लाइपोसक्शन निकाल देते हैं। जो बाकी ब्रेस्ट टिश्यू बच जाता है, जो निपल एरियल कॉम्प्लेक्स है, जो डार्कर स्किन है ब्रेस्ट का, उसके अंदर से काट के ग्लैंड को निकाल देते हैं, क्योंकि हम स्किन और ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के जंक्शन में काटते हैं, कोई दाग नजर नहीं आता। ऑपरेशन करने में 2-3 घंटे लगते हैं, ऑपरेशन के बाद एक बैंडेज डाल देते हैं चेस्ट पे और आप घर चले जाओ, क्योंकि इन पेशेंट्स का थोड़ा स्किन भी ज्यादा होता है। हम कई बार एक प्रेशर गार्मेंट पहनने को देते हैं जो बेसिकली स्किन को कंप्रेस करता है, श्रिंक कराने में हेल्प करता है और वो चेस्ट बाद में टोटली फ्लैट हो जाता है। प्रेशर गार्मेंट आपको 2 महीने के लिए पहनना पड़ता है। पहली बैंडेज हम 5 दिन बाद खोलते हैं, उसके बाद एक और बैंडेज होती है और 10 से 14 दिन के अंदर में सब बैंडेज हट जाती है और आपके पास कोई भी और बैंडेज नहीं लगता है। पेशेंट मगर 2-3-4 दिन बाद ही काम पर जा सकता है या स्कूल कॉलेज में जा सकता है, कोई असुविधा नहीं है और ये ऑपरेशन से आप मगर स्थायी तरीके से जिंदगी भर के लिए इस मुश्किल, इस असुविधा से मुक्ति पा जाएंगे। और यह लार्ज मेल ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया, बड़ा स्तन जो लड़कों में होता है, उसको हम ठीक कर लेंगे। मैंने आज तक 700 से ज्यादा पुरुषों में ब्रेस्ट रिडक्शन, स्तन को छोटा करना, गायनेक में से करेक्ट करने का ऑपरेशन किया है। ये बहुत कॉमन ऑपरेशन हम करते हैं और अगर आपको, आपके परिवार में किसी को, आपके बच्चे को, किसी बुजुर्ग को भी अगर ये तकलीफ है, हम 12-13-14 साल के बच्चे को भी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उस वक्त छोटी उम्र में हंसी मजाक ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के साथ दूसरे लड़के और ज़्यादा मजाक कर लेते हैं और कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। और उम्र का तो कोई बात ही नहीं, आपके अगर 50-60 भी उम्र हो और आप इससे परेशान हैं, हमारे पास आइए, हम इसको ठीक कर देंगे, आपका स्थायी इलाज करेंगे, आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे और आपको अपने चेहरे और अपने चेस्ट से फिर से कॉन्फिडेंस में लाकर चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएंगे।